वैभव, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. अच्छा ये बताओ, तुमने कभी फ्लाइट से ट्रैवल किया है क्या? अरे फ्लाइट क्यों, मैंने कार, बस, फ्लाइट सभी से ट्रैवल किया है, लेकिन तुमने मुझसे क्यों पूछा? मैं तुमसे ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर तुमने या फिर हमारे दर्शकों ने कभी भी फ्लाइट से ट्रैवल किया है तो एक शब्द है टर्बुलेंस, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा. बिल्कुल दर्शकों, अगर आपने फ्लाइट से ट्रैवल किया है तो आप जानते हैं कि एयर टर्बुलेंस जो होती है वो हम सब ने महसूस की है और हम सभी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान करती है. जब विमान इतनी ज्यादा फीट की ऊंचाई पर होता है तो तेज हवा की वजह से बहुत ज्यादा हिलने लगता है. जी हाँ, तो सही मायने में ये एयर टर्बुलेंस क्या है और क्या है इसके कारण, चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में. हवाई यात्रा के दौरान जब अचानक विमान हिलने लगता है तो यात्रियों के मन में डर और चिंता उत्पन्न हो जाती है. इसे हम फ्लाइट टर्बुलेंस कहते हैं. एयर टर्बुलेंस इज बेसिकली कॉज्ड बाय विंड शेयर, मतलब वायु की गति में अचानक बदलाव. दिस कुड बी वर्टिकल विंड शेयर और ए हॉरिजॉन्टल विंड शेयर. जब भी वायु की गति अचानक बदलती है तो उसमें एडीज कॉज हो जाती हैं, जिसको हम टर्बुलेंस कहते हैं. और जहाज जब उस रीजन से गुजरता है तो अचानक ये उसको इफेक्ट करता है, जहाज की वर्टिकल स्पीड एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों चेंज हो जाए अचानक, और इससे काफी टर्बुलेंस हो जाती है. दैट इज द मेन रीजन फॉर टर्बुलेंस. उड़ान के दौरान फ्लाइट टर्बुलेंस के कई कारण हो सकते हैं. हवाई जहाज एक कॉम्प्लेक्स मशीन है. जमीन और हवा के कई कारणों से जब भी हवाई जहाज इन क्षेत्रों से गुजरता है तो वह हिलने लगता है. विंड शेयर तीन कारणवश होती है. एक होती है माउंटेन विंड्स, जहां पे पहाड़ हो और उसके 90 डिग्री स्पीड ही कोई एयर चल रही हो, गति से स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो इट कॉजेज एडीज. इट कुड बी अपवर्ड और जनरल टर्बुलेंस. द सेकेंड रीजन इज द क्लाउड्स, द वर्टिकल क्लाउड्स, जैसे हम बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, इनको बोलते हैं जो हैवी रेन्स देते हैं. उन क्लाउड्स में ऊपर और नीचे एयर करेंट्स हैं. दीज एयर करेंट्स कॉज द एयरक्राफ्ट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. They cause the aircraft to climb or descend very rapidly, and this causes air turbulence inside the aircraft, same as is done in mountaineering. And the other reason, which is the most common, I would say, in today's parlance, because it cannot be seen, which causes clear air turbulence generally, are the jet streams. Jet stream, यदि बताएं तो it's like a river of air, which is flowing through the air in the sky. And these can have very high velocities, as much as about 400 kilometers an hour. And inke andar to theek hai, but jaisi at their boundary, there's a sudden change of air, let's say from 400 kilometers, 100 kilometers, or 50 kilometers. These are the regions then where the turbulence develops. Pilots फ्लाइट टर्बुलेंस को संभालने के लिए कई तकनीकों का उपयोग करते हैं. जब अशांति की संभावना होती है तो पायलट्स यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने की सलाह देते हैं. इसके साथ ही पायलट्स विमान की गति और ऊंचाई को भी नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं. वी हैव नाउ डिजाइन्ड द एयरक्राफ्ट स्टेबिलिटी एंड ऑल्सो the technology is being used, the pilots are being trained for how to handle it. Today the World Met Organization, wo every day din mein 4 baar circular bhejta hai, jisme reasons, likely reasons of air turbulence define kiya jata hai, and the operators are now asked to either avoid those reasons or take precautions while transiting through those reasons. Indian subcontinent may incidents of these air turbulences, severe air turbulence basically, are rare and very less. Ek to jo subtropical jet stream hai, which is the reason I, like I said, for clear air turbulence, wo India mein uski jo speed hai wo kam hai. It's about 200 to 300 kilometers, generally in the region of 200
250 kilometers. Whereas the polar jet streams are very high speeds are prevalent there. And therefore, यहाँ पे और turbulence कम है. दूसरा, इंडिया में सीवियर वेदर है जो क्यूमुलेटिव क्लाउड्स हैं जिसके कारण टर्बुलेंस होती है. लेकिन इंडिया में द पायलट्स कैन सी दीज क्लाउड्स ऑन देयर वेदर रडार. एनीवेयर इन द वर्ल्ड दे कैन सी दीज क्लाउड्स ऑन देयर रडार एंड अवॉइड देम. सीट सेलेक्शन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट. जहाँ पे जहाज में ये सबसे कम इफेक्ट होता है टर्बुलेंस का, दोज आर द सीट्स ऑन द विंग्स, नेक्स्ट टू द विंग्स, near the center of pressure or ahead of that. That means the seats ahead. And the further back you go, the moment arm is longer and the effect of air turbulence utna jyada severe hoga. To agli baar jab aapki udaan mein flight turbulence ho to yaad rakhein ki yah ek samanya prakriya hai aur aapke pilots ise sambhalne ke liye puri tarah prashikshit aur taiyar hain. आपका सुरक्षित और सुखद यात्रा अनुभव ही उनकी प्राथमिकता है. सुरक्षित यात्रा के लिए पायलट्स और विमान तकनीकी पर हमें भरोसा रखना चाहिए.